इंडिया के बाकी सुपरहिट ड्रामों की तरह अब जी टीवी के ड्रामा सीरियल प्यार का पहला नाम राधा मोहन में भी बहुत जल्द जनरेशन लैप आने वाला है, जिसके लिए नए लीड एक्टर को भी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अब राधा मोहन में बहुत जल्द जनरेशन लैप आने वाला है, जिसमें नए लीड कास्ट के तौर पर मनीष जोरा भी नजर आने वाले हैं। जबकि मौजूदा ट्रैक के बारे में बात करें तो उसमें शबीर अहलूवालिया मोहन के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि निहारिका रॉय राधा के किरदार में नजर आ रही हैं और लोग इनके किरदार को और इनके कपल को काफी पसंद भी कर रहे हैं। इस ड्रामे में इन दोनों का किरदार तो पॉजिटिव है, जबकि इस ड्रामे में नेगेटिव किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का असल नाम संभावना मोहनती है, जो कि इस ड्रामे में दामिनी का किरदार निभा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर इस ड्रामे से इनकी भी एग्जिट हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मनीष जोरा आगे चलकर शबीर अहलूवालिया के अपोजिट नजर आने वाले हैं। अभी तक ये बात तो कंफर्म नहीं हुई कि आगे चलकर इनका किरदार इस ड्रामे में पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव, यानी कि मनीष जोरा शोएब अहलूवालिया के अगेंस्ट पॉजिटिव किरदार निभाते नजर आने वाले हैं या नेगेटिव। लेकिन ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि बहुत जल्द वो प्यार का पहला नाम राधा मोहन में नजर आने वाले हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी शूट भी शुरू कर दी है। इसके पहले अलावा आपको मनीष जोरा के बारे में मजीद बताते चलूँ तो इससे पहले वाले इन्हें कुंडली भाग्य ड्रामे में देखा गया था, जिसमें लोगों ने इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद किया। लगभग इन्होंने 7 साल कुंडली भाग्य में काम किया, लोगों ने इनकी बेहतरीन अदाकारी को खूब पसंद किया।